स्टूडेंट के लिए प्राइजेज और क्वालिटी अलग चीज़ों की और नॉर्मल इंसान के लिए अलग, ऐसा चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। सारे बोलो जय माता दी। हरजपन पिछले साल कितना लाया छोले पूरी आज? हेलो आइडिया नहीं है, दुकान खुली होगी नहीं होगी, बट मेरा हेयर कट आज जरूरी है। कोई फायदा नहीं हुआ, चल जाने का, किस्मत में ही नहीं आ रही ये सब। बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, अब एक हेयर कट नहीं मिल रहा भाई, किस्मत में नहीं है, कोई नहीं। वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। यार आज मैंने सोचा था कि हेयर कट करवा के ही कॉलेज जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत सही ना होने के कारण हेयर कट तो हमारे नसीब में नहीं था। तो अभी मैं अपने आप अपने बियर्ड सही करने वाला हूँ और बालों को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। एंड नवरात्र आज ख़त्म हो गए हैं और आज फिर से मेरा ब्रेकफास्ट छूट गया, पता नहीं मैं इसमें छोले पूरी थी या नहीं। कॉलेज आज 2 घंटा लेट था तो मैं 9:30 या फिर 9 बजे उठाऊँगा, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं उठा और मुझे याद आया कि भाई मेरे को हेयर कट कराना है और मैं बाहर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अभी 11:30 बजे क्लासेस के लिए जाना है तो सो आई हैव टाइम। लास्ट वीडियो में भी सिर्फ एक असाइनमेंट पूरी हुई थी, एक असाइनमेंट अभी भी पेंडिंग है, तो आज के दिन ट्राई करेंगे वो कहीं से कर ले, करवा ले, कुछ भी करे भाई, पर वो असाइनमेंट सबमिट करनी है भाई। मैं तो बंद है, बस जस्ट इन केस एक बार मेरे को चेक करने दो कि आज खाने में था क्या, तो ये अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है, पुराना लगा हुआ, इस पर लिखा ही नहीं है। थोड़ा आराम भी फरमा लेते हैं भाई जब तक टाइम नहीं होता। खुद दाढ़ी काटने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार ही ना फिर होके आऊँ, 1 घंटा हो गया है मैं जब गया था, एक बार और चेक मार के आता हूँ, क्या पता आ ही गए हो, अगर नहीं आए होंगे तो दूध ले आऊँगा यार, वेस्ट तो नहीं होगा। ओए ये चार्जिंग में लगा कर रख, मैं एक बार फिर ट्राई करके आ रहा हूँ, क्या पता बंदा आ गया हो, क्योंकि 10 बजे से तो ज़्यादा ही हो गया, दुकान खुल जानी चाहिए 10:30 समथिंग हो गया। क्या खाने का ले आऊँ? हाँ ऑफकोर्स यार, क्या चाहिए बता। देख लियो कहाँ जा रहा है तू? NC3 जा रहा हूँ यार, फ्रूट ले लियो ना, मिक्स फ्रूट वाला कोई चाट। मिक्स फ्रूट ले आऊँ? चाट चाट लो करना। ठीक है पता करो। इनका दूसरा चक्कर वापस यहीं पे, काश दुकान खुल गई हो। खुल गई फाइनली। भाई यहाँ पे बैठे रहना वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी, 11 बज चुके हैं, मतलब बजने वाले हैं ऑलरेडी, 10:50 हो चुके हैं, तो भाई मैं तो लेट नहीं होना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं आज के लिए थोड़ी ऐसे ही काम चला लूँ और शाम को आगे सही करवा लूँगा। अभी चलता हूँ भाई यहाँ से, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। वैसे यार मैंने क्या ही टाइम वेस्ट किया भाई यहाँ पे बैठ के, क्यों ही बैठा मैं, खाना लेके रूम पे चलता हूँ और नहाना भी मैं कॉलेज से आके कर लूँगा। यार कोई नई बात तो है नहीं मेरे लिए बिना नहाए जाना। फ्रूट चाट का ऑर्डर तो दे दिया है, बन रही है, एंड भाई मैंगोज देख के यार मन अच्छा आ रहा है मेरा बहुत। कल मम्मी ने को बताया कि भाई फ़ोन पे बात करते हैं कि पापा कल घर पे लाए हैं आम, ओ यार, तो उसके बाद मुझे भी मन किया कि भाई मैंगो शेक वगैरह खा पीते हैं, आम खाते हैं, पर यार ढंग के आम नहीं मिलेंगे यार आसपास, घर जाके ही खाऊँगा, जाएंगे घर बहुत जल्दी, या फिर यहाँ आसपास से मैं कहीं से आम नहीं खरीदूँगा भाई, या तो बहुत महंगे होंगे या तो उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मैं विश्वास नहीं कर सकता इन लोगों पे। खरड़ जैसी जगह जो कि बच्चों की वजह से कॉलेज, यहाँ पे CU के बच्चे हैं जो, उसकी वजह से खरड़ जैसी जगह ना ग्रो हो रही है, और वो लोग ना मतलब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को ही वैल्यू नहीं करते, उनको ही सामान महंगे में बेचते हैं, चूना लगा देते हैं भाई। मेरे को वर्थ इट ही लगता है खरड़ से सामान लाना, इससे अच्छा है कि अगर मैं जब चंडीगढ़ जाऊँगा ना ईशान के पास
तो खरीद के लाऊंगा, मैं यहाँ से आसपास से खरीदूंगा ही। स्टूडेंट के लिए प्राइजेज और क्वालिटी अलग चीज़ों की, और नॉर्मल इंसान के लिए अलग, ऐसा चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो मैं चंडीगढ़ जाके ही खरीदूंगा डेफिनेटली। खरर में यहाँ से ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा, बट चंडीगढ़ में खरर से भी अच्छा प्राइस और क्वालिटी मिल जाएगी, और वैरायटी भी। ट्राई करता हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक हो जाएगा? एक मैंगो शेक कर दो, पीना है वो भी। कितने घंटे मैंगो शेक है? शेक भाई, शेक तो भैया ने अच्छा बना के दिया, टेक्सचर अच्छा है, पर भाई मीठा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने शुगर डालने से मना किया था, बट मैंगो की अपने आप एक स्वीटनेस होती है ना, वो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब आम अच्छे हैं ही नहीं, इनके पास भी अच्छे आम नहीं है मतलब अभी। एंड आई पेड 60 फॉर दिस, एटलीस्ट उसके अंदर थोड़ा दूध था। 11:11, 11:30 पे क्लास शुरू होगी और मैं हो चुका हूँ लेट। अच्छा हुआ सही टाइम पे भाई, मतलब मैं निकल गया था वहाँ से, वरना भाई वो नाई के पास बैठा होता तो एक लेक्चर पक्का स्किप करता था। जल्दी ले भाई फ्रूट चाट खा, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, लैपटॉप नहीं लेके जा रहा, फटाफट शट डाउन कर रहा हूँ। कोई बैग नहीं लेके जा रहा, कुछ नहीं लेके जा रहा, चल निकलते हैं। मेरे ईयरफोन्स, आई कार्ड, ओह शिट आई कार्ड नहीं भूलना, ईयरफोन्स, बस बस। ग्यारह बज के 16 मिनट हम अपने कमरे के बाहर हैं, पहुंच जाएंगे 14 मिनट के अंदर डिपार्टमेंट A2 यहाँ से। ग्यारह बज के 21 मिनट हॉस्टल के बाहर। ग्यारह बज के 27 मिनट डिपार्टमेंट के जस्ट बाहर। पास बिल्कुल नहीं है भाई ये हॉस्टल से A2, फिर भी इतनी जल्दी पहुंच गए हैं भाई, कुत्तों की तरह दौड़े हैं कसम से। जल्दी पहुंचना बड़ी बात नहीं है, 8 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना बड़ी बात है भाई, भूल गई। पर 11:30 अपने 8th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। इस खाली क्लास के लिए आया हूँ मैं भाग के। पसीने आ गया, अब तो और जोर के नहाने का मन कर रहा भाई मेरा, लेट हो गया था नहा नहीं पाया। मेरी गलती है भाई, मीटिंग में जाना है, ईडी सर के साथ मीटिंग है, कल एचओडी सर के साथ मीटिंग थी। सीआर वाला बैच ढूंढना पड़ेगा मेरा कहाँ पे गया, टूट जाता है भाई मेरे से हर बारी, फिर टूट जाता है, फिर खो जाता है। शेफ्स ऑन फायर, लेट्स ग्रैब अ पनीर रोल। आई ऑर्डर्ड पनीर भुर्जी रोल, अब लाइन में लग के बस रोल मिल जाए जल्दी। इतनी गर्मी में गरम गरम पनीर भुर्जी रोल। राइस पार्सल आ गया अपना। हेलो भाई, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा ये था बहुत ज़्यादा जल्दी डिलीवरी होगी यार इसकी। मैंने 1-2 दिन पहले ऑर्डर किया था और इसकी वेबसाइट पे 5-7 दिन बता रहा था, फिर भी बढ़िया। हरजपन पिछले साल कितना लाया छोले पूरी आज? ब्रो लाया हूँ। अरे अरे भाई तो लाना, 2-3 ही पूरी बची है, मैं भी खा ही रहा था इनफैक्ट। एक मेरी है, डन डन, कोई कटी है। ठीक है भाई, आपके पास और भी पड़ा है? हाँ ठीक है भाई, मेरे को तो छोले पूरी चाहिए मेन। ओके ओके कोई नहीं, ठीक है ओके ओके भाई, अपनी कंजक तो खाने का तो ढूंढ ही लेते हैं जैसे तैसे। क्लास में मौज लूटने वाला तो भाई ये बंदा है, हेडफोन लगा के एंड मजे में रील देखते जाओ, कुछ भी क्लास हो क्या फर्क पड़ता है, कभी फोन पे कभी लैपटॉप पे शॉर्ट्स देख लो हैं।
दूसरी क्लास से असाइनमेंट लेके पिछले एक सेमेस्टर की असाइनमेंट अपलोड कर दी, देन 3D में जाना नहीं है भाई। हर जपन टिफिन देके गया, ये छोले पूरी पूरी हलवा, वो तीन तीन है भाई, हो जाएगा अपना अपना हो जाएगा। लैब में खाना मना है, कोई आ गया ना पकड़ के ले जाए, पकड़ के ले जाएंगे यार, खाना भी नहीं मिलेगा फिर ढंग से चैन से, रुक के खाना पड़ेगा, रुक जा अभी नहीं खा पाऊंगा, अगला फिर पता नहीं। वो क्लास से बाहर चलते हैं, बाहर जाके खा के आते हैं, चल 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 चल। ये बंदे के पास लग रहा है तुम्हारे पास टिफिन है, निकालियो। ओ भाई टीचर के सामने ऐसा परमिशन लेके आए हम, माय गॉड। बस 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 चलो यही है फिर फाइनल। अच्छा 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 भाई जिसका है उसको बुला ले, ऐसे वो घर खा लेगा भाई, वो घर खा लेगा भाई, वो घर वाला बंदा है। पिछली बार में इसी ने खिलाए थे, मैंने कॉल किया इसको, मैं कहा भाई इस बार ही छोले पूरे नहीं लाए, कितने हैं भाई, मैंने लिया, मेरी मम्मी को पता चलेगा ना मैंने खा ली छोले पूरी, मम्मी विल बी प्राउड ऑफ मी। माता दी जय माता, सारे बोलो जय माता। जो एक असाइनमेंट का जो काम रहता हूँ भाई, अब क्लास में बैठ के पूरा कर रहा हूँ, हो रहा है भाई धीरे धीरे। This is actually cool. I loved it. तो भाई ये दो चीज थी पार्सल में, अब इन चीजों को एक बारी के लिए साइड रखा जाए भाई, अब सिर्फ ना असाइनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। असाइनमेंट सबमिट करने का आज लास्ट डे है, जो एक्चुअल में मैं असाइनमेंट कर रहा था आज क्लास में बैठ के। एंड ब्रो उस असाइनमेंट के तीन पार्ट थे, उसके दो पार्ट मैं कर चुका हूँ, एक पार्ट मुझे अभी बैठ के करना है। सो लेट मी डू इट एंड आपको मिलता हूँ डिनर के बाद। फाइनली भाई कर दिया ये काम में सबमिट, फाइनली आई एम फ्री ऑफ ऑल द असाइनमेंट्स, और बाहर मौसम अच्छा हो रहा है एंड मैस में आज बैंगन बनी है, शायद मैं मैस में ना खाऊं भाई, मज़े आ गए भाई, काम खत्म हुआ, घूम फिर के पहुँचे हैं फूबीज, पराठा खाना है तो पराठा आ गया भाई। ठीक है भाई बस इसके लिए आई पेड 30 एक्स्ट्रा रुपीज, क्यों इससे अच्छा वो वेयर का वाला कप दे देते यार। पूरा दिन होने के बाद मैं दिख ही नहीं रहा भाई, चढ़ छोड़, पूरा दिन होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ फिर से NC3 बाल कटवाने की उम्मीद में। शीट बंद हो गया यार, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये भाई, समझ जाओ भाई। अगले व्लॉग का मकसद भी होगा बाल कटवाना, पता नहीं यार कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, सिंपल बेसिकली बस मेरे को बाल कटवाने वाले, उसके लिए भाई इतना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पूरे दिन में तीन चक्कर काट लिए फिर भी बाल नहीं कटे। तो चलो भाई मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय। खाने के बाद कुछ पीने के लिए मिल जाता तो भाई, लस्सी भी नहीं मिली यार,